बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अब्बास लर्निंग स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने घर में बैठ के अपने वीडियोस को प्रोफेशनली तौर पे कैसे हम एडिट कर सकते हैं। और किस तरह हम एक बहुत ही उम्दा वीडियो बना सकते हैं अपने घर में, शादी की वीडियोस किस तरह लोग एडिट करते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा कि इसमें जितने भी इफेक्ट्स वगैरह हैं तो हम उनको कैसे एडिट करते हैं। तो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है आपके सामने, उसको मैं बंद करूंगा पहले। चलो, इसमें अभी मैं ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि ये डाउनलोड कैसे होता है, कहाँ से और किस तरह से ये इंस्टॉल किया जाता है। और इसमें हम अभी पिक्चर इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फाइल में जाएंगे, फाइल में आके एनी वन पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर ये सिलेक्ट कर ली और दूसरी पिक्चर, एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे ही आप सारी इकट्ठी सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट फाइल करेंगे, बल्कि न्यू बिन कर लेते हैं हम, वो एक बिन खुली हुई है और इसमें हम न्यू बिन करेंगे। बिन टू में हम आएंगे और इसमें इंपोर्ट करेंगे फाइल में हम कंप्यूटर में जाएंगे और जौन सा इसके बैकग्राउंड में सॉन्ग लगाना चाहते हैं आप तो हम उसको प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा, सुन जरा है और इसमें दिल तेरी दीवानगी में खो गया, एनीवन कोई भी हम ऑडियो सिलेक्ट करेंगे। ये ऑडियो सिलेक्ट किया मैंने तो इसको यहाँ पे रख दिया, क्लिक करके बिन में जाऊंगा वापस, इसमें से पिक्चर उठा के, सॉरी हम स्टार्ट से करेंगे। अभी ये देखते हैं हम स्टार्ट में पहुंच गए, तो स्टार्ट में आके एक फॉर एग्जांपल मैंने ये किसी भी इंडियन एक्टर की पिक्चर उठाई और नीचे अपनी पिक्चर लगा ली। अब इसके अंदर हमने एफएक्स सेट करना है, एफएक्स कौन सा लगाना है, ये यहाँ से ये देख रहे हैं आप, एक्सप्लोड एफएक्स, इसके अंदर मैंने पिनेकल हॉलीवुड एफएक्स 4.6 और इसमें किया हुआ है एक्सप्लोड एफएक्स में, ये देखें रिंची एफएक्स किए हुए हैं, इसमें अनलिमिटेड एफएक्स हैं। अब इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट करके ये देखें ये पिक्चर पे शो होंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं यही इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इसको देख लें, ठीक है। अभी हम ये सेलेक्ट करते हैं तो इसको प्ले करके दिखाऊंगा मैं आपको कि ये किस तरह से हमारे पिक्चर पे कैसे ये प्ले होगा। इसको हम वापस आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, विंची एफएक्स पे जाएंगे और जोन सा हमने सेलेक्ट करना है तो ओके करना था, मैंने कैंसिल किया सॉरी उस वक्त। तो अभी हम आपके सामने दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये कर लेते हैं एनीवन कोई भी,
ये भी कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे ओके, ओके के बटन पर प्रेस करके अब मैं इसको इसे हम शो करके देखेंगे। कीबोर्ड पे आके हम एंटर करेंगे तो ये देखेंगे। तो अब हम कोई और यहाँ पे सेट करेंगे, एक पिक्चर और सेलेक्ट करता हूँ और फाइल पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे आके एक और एक्टर उठा लेते हैं, उसी पिक्चर डालेंगे इसमें। ठीक है जी, तो इस एक्टर की पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट की और साथ में चलो अपनी पिक्चर लगा लेता हूँ। तो अब हम हॉलीवुड एफएक्स को इसको मैं क्लिक करके यहाँ से पकड़ के ये लेके आऊँगा और यहाँ पे आगे कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हॉलीवुड एफएक्स। ठीक है, इनको कैसे हमने यूज़ करना है, कौन सा लगाना है, ये किस तरह से शो होंगे, अब ये देखें। ये देख रहे हैं आपके सामने कितने प्यारे प्यारे एफएक्स खुले हुए हैं। ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये ताजमहल वाला। ठीक है जनाब, तो मतलब के हजारों की तादाद में इफेक्ट हैं। अब ये देखें, जोन सा भी आपने अप्लाई करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे लगा लेना है। अब ये देखिए, अब कोई भी गाना सेलेक्ट करें, चांद तारों वाला करना है तो उसमें चांद और तारों वाला, और अगर किसी शादी वाला जो करना है उसमें शादी के ऑप्शन होंगे, शादी वाले में जाके आप गाने में उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इतने इफेक्ट्स हैं कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये देखें आपके सामने कितने हैं। अब इनमें से कुछ सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देखा हॉलीवुड इफेक्ट्स। ठीक है, ये आ गया हॉलीवुड इफेक्ट्स, वैसे हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम एक्सप्लोर में जाएंगे, एक्सप्लोर इफेक्ट्स में जाके हमने यहाँ पे आके इसको मैंने इधर रखा और ये देखें। अब शुरू में मैंने ये किया था, इसको कैंसिल बोल के कर लिया था, लेकिन इसको हमने सेलेक्ट करना है तो इसको इसी इफेक्ट को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अपने पिक्चर पे, तो इसको अप्लाई करते हैं, ओके करेंगे। ओके करके हमने इसको यहाँ से अप्लाई उनको ये वीडियो ऐसे एडिट की जाती है। इसका नेक्स्ट सेटअप मैं दिखाऊंगा कि इसके बैकग्राउंड पे, चलो इसी में, हाँ इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि वीडियो भी चल रही हो और वीडियो कैसे एडिट की जा सकती है। तो गाइस जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अब्बास लर्निंग स्टूडियो को। अगर आपने पहले ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप इस चैनल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप के पास मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।